जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाए जाने से संबंधित मामले में शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। ये मामला 13 महीने से दिल्ली सरकार के पास लंबित था। देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये स्पष्ट है कि ये मामला राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया था और इसमें देरी हुई। मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चाहता हूँ ताकि पूरे देश को पता चल सके कि कैसे राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले तो हम दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इस पे जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि हमने देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। हम चाहते थे कि अदालत में जो है ट्रायल हो, और अदालत में ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे मौके पे दिया गया है कि उससे हर किसी को ये समझ में आ रहा है। पहली बार मुकदमा में चार्जशीट तब हुआ जब हम चुनाव लड़ने वाले थे, और अभी फिर से जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है। कल ही हमने पटना में शानदार रैली की है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ NDA की गवर्नमेंट है, जहाँ BJP है, और उस सरकार ने NPR और NRC के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया है। तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है। राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है, लेकिन अब जब इसमें अनुमति दी गई है, हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि देश को पता चले कि कैसे देशद्रोह जैसे, राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जरूरी हो गया है कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम जानते हैं कि देश के खिलाफ कोई नारेबाजी हमने नहीं की है। नारा हम लगाते हैं देश के लोगों के हक और अधिकार के। अब TV वाले आपके अदालत की जगह जो है संविधान वाली अदालत में इसका फैसला होगा, इसका न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। और हम शुरू से कहते हैं कि हमको कोर्ट पे भरोसा है, और इस मामले में कोर्ट न्याय सुनिश्चित करेगी, सत्य की जय होगी, सत्य में जय। बता दें कि 9 फरवरी 2016 को JNU में देश विरोधी नारे लगाने के वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद मामले की जांच की गई। JNU के इस मामले में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिरबान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली और खालिद बसीर समेत 10 लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था, मगर दिल्ली सरकार ने इस मामले में देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी।